सभी का स्वागत है। जैसे कि कल आप लोगों ने देखा, ये काम कुछ सूख चुका है, फिर मैंने एक छोटा काम भी यहाँ शुरू किया है। तो मेरी वर्कशॉप के लिए मैंने ये कटिंग्स करके रखे हैं, उस पर बहुत सारी तैयारियां हैं जो कि पूरी करनी है। तो मैं बता दूं कि बड़ौदा में देखने वाले, बड़ौदा से देखने वाले सभी मित्रों से निवेदन है कि वो लोग रजिस्ट्रेशन इंस्टाग्राम के थ्रू कर सकते हैं। अगर इंस्टा पेज पे आप लोग संपर्क करेंगे वर्कशॉप रजिस्ट्रेशन के लिए तो हमें बहुत खुशी होगी। तो क्योंकि ये टेक्निक यूनिक है और ये टेक्निक सीखने के लिए, जानने के लिए बहुत सारे लोगों में उत्सुकता तो है। मैं चाहूँगा कि आप लोग जल्द से जल्द इंस्टाग्राम में रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू करें। गूगल फॉर्म मैं जल्दी जनरेट करूँगा, तो फिर मिलते हैं। तो यहाँ से हमारा काम ये आज का शुरू होता है और कल का जो वीडियो है उस पर एक कमेंट आया था सरिता का। मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा सरिता को कि वो आपने देखा और ऐसा आप लोगों को महसूस होता है कि एवरी डे का जो ये है कार्यकलाप हैं वो आप लोगों को देखें, आप लोगों को अच्छा लगे। और यही एक चीज़ होती है जो डिजिटल वे में लोगों को कनेक्ट करके रखती है। तो मेरे ख्याल से जैसे आप लोग देखते हैं, आप लोगों की ऊर्जा की वजह से ये सारी चीज़ें हो पाती हैं। तो आप लोग इस तरह कमेंट्स करते रहिए और धन्यवाद सरिता कि आपने लिखा। और मैं बता दूं कि ये बड़े काम में थोड़ी सी इस तरह की समस्याएं होती हैं कि इसको निकालने के लिए समय लगता है, और अगर साथ में कोई हो तो उसको बहुत आसानी से उसको किया जा सकता है, बट अगर कोई साथ नहीं है तो एकला चलो रे। तो काम बहुत खूबसूरत हुआ है, मैं आज के वीडियो में मैं ज़रूर उसको बताऊंगा आने वाले समय के वीडियो में कि वो किस तरह से आप सभी के सामने हैं और उसका सरफेस कैसा बना है। क्योंकि जब आप लोगों ने देखा था वो बैक साइड है, अब जब दिखेगा वो फ्रंट साइड आप लोगों को दिखेगा, तो बहुत ही अद्भुत लग रहा है। और बड़े काम में थोड़ा सा ये होता है, बड़े काम जब आप करते हैं उसको हैंडलिंग करने में ये सारी चीज़ें होती हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि कोई ना कोई अगर सहयोग के लिए हो तो बहुत अच्छा रहता है। मैंने कल्पना को बोला है कि शायद वो अगर फ्री है तो वो आकर थोड़ा इसको निकालने के लिए मदद करे। तो जस्ट उसको लिफ्ट करने के लिए थोड़ा सा ये चीज़ें होती हैं। आप देखिए कैसे इसको निकाला जाता है, और ये वर्कशॉप के माध्यम से ये सारी चीज़ें आप लोगों को जानने को तो मिलेंगी ही मिलेंगी। लेकिन ये जब पहले आपने देखा था, मैंने वो बेस पे जब मैंने ये सारे फॉर्म्स बनाए थे तो वो कैसे थे, अब वो लिफ्ट होकर उस सरफेस पे चिपक चुका है। तो बस अब वो निकालना है, और ये निकालने के बाद काम रेडी है। उसके बाद में जब हम देखेंगे और मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पे काम करना चाहिए, तो ही उस पे मैं फिर दोबारा हाथ लगाऊंगा, अन्यथा मैं इस पे फिर से काम नहीं करना। तो ये बेसिक मेरा जो काम होता है वो जब काम के साथ संवाद होता है, मैं हमेशा बोलता हूँ काम के साथ जब संवाद होता है वो आपको उसके पूर्ण होने का या उस पे और काम करने का संकेत लगातार देता है। तो बस इन्हीं अनुभवों को हम पेंट करते हैं और इन्हीं कम्युनिकेशंस को हम चित्र के साथ संवाद करके रखते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि उसका भी एक उसकी एक भाषा है जिसको हमें समझने की आवश्यकता होती है। तो जस्ट इसे दूसरे साइड से मैं निकाल रहा हूँ, क्योंकि ये लगभग 4 फीट बाई 10 फीट का काम है। तो इस तरह के मैं कुछ पैनल्स करने का सोच रहा हूँ आने वाले समय में, होप वो काम आप सभी के सामने हो, और मैं पूरी कोशिश करूँगा इस तरह के कामों को डॉक्यूमेंट करने की। आप लोग इस तरह से एनर्जी देते रहें और वीडियोस को देखते रहें, शेयर करते रहें, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इस तरह से इस प्रक्रिया में दूसरा कोई
काम हो रहा है, कहीं हो रहा है, तो इस प्रक्रिया को लोग और जाने और समझे, इसके लिए मैं ये डॉक्यूमेंट करके रखता हूँ। और होप ये एक दिन दूसरे जो भी लोग करेंगे इस फील्ड में काम, उनको इन सब चीज़ों से और भी कुछ जानने समझने सीखने को मिलेगा। तो बस ये अब हमारा काम निकल चुका है और इसका जो पूरा निकला हुआ पार्ट है वो मैं आने वाले वीडियो में दिखाऊंगा। मैंने ये पूरा निकल के ये बाहर आया है, उसकी बारीकियां जो हैं मैं उसको आने वाले जो भी वीडियोस होंगे उसमें मैं अवश्य बताऊंगा। और दूसरा, यहाँ स्पेस में एक एग्जीबिशन चल रहा है, उसके काफ़ी सारे विजिटर्स आते रहते हैं। तो अब जो ये देखने की प्रक्रिया है कि इसमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो ये अब काम आता है, वो कम्युनिकेशन अब बिल्डअप होता है। तो जैसे एक समतल, उसमें आपको आवरण दिख रहा होगा नीचे के पार्ट में, नीचे का एक अलग कलर येलो कलर के साथ और ऊपर का एक ग्रे कलर के साथ जो कॉम्बिनेशन दिख रहा है, उसमें डार्क टू लाइट एक आपको फेस दिख रहा होगा। यहाँ दूसरे काम में मैंने जस्ट उसको रखा नेट को और उसका बेस मैं अभी लगा रहा हूँ। तो अब बस को सूखने छोड़ना है और ये जैसे जैसे सूखता जाएगा फिर वो कल इसको फिर मैं निकाल लूँगा जब पूरा सूख जाएगा तब। तो ये प्रक्रिया है, इसमें ज़्यादा कुछ ऐसा ये नहीं है। हमें अपने काम को लेके एक संवाद और एक जो पेशेंस वो रखने की ज़रूरत है। यहाँ गेस्ट हैं, अलका जी आई हुई हैं, अलका जी बहुत अच्छा काम करती हैं, वो भी पेंटिंग करती हैं, बट न्यू मीडिया को लेके उनको उत्सुकता है। वो वर्कशॉप में आना चाहती थी बट वो अभी आउट ऑफ स्टेशन होंगी उस दौरान। तो कोई नहीं, नेक्स्ट वर्कशॉप में हम चाहेंगे कि अलका जी यहाँ हो वर्कशॉप में। तो आज कुछ इस तरह से ये हुआ कि कई सारे विज़िटर्स आए, दिल्ली के भी कई सारे विज़िटर्स थे जिन्होंने अपना एग्जीबिशन वहाँ पुटअप किया था। और मन्नत को मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा कि वो आई और उन्होंने अपने काम के बारे में बताया, ये काम देखे उन्होंने। तो जो कुछ कैनवास है पीछे रखा हुआ है जो कि पहले के हैं, पर वो भी लोग देखते हैं क्योंकि ये प्रोसेस, जो पूरा प्रोसेस है वो काम में कैसे आया वो देखना व वो समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें जो ये जो ब्लू कलर का काम है उसमें गोल्डन इफेक्ट था, जो अलका जी ने पूछा था, मैं मेरे कुछ गोल्डन बेस किए हुए काम थे जो लॉकडाउन के टाइम किए थे, क्योंकि उस समय आपके पास पर्याप्त साधन भी नहीं थे और जो भी साधन थे उसमें हमें काम करना था। तो ऐसे ही होता है, अगर काम करने का जज्बा हो तो आपको साधनों या कोई भी ऐसे समस्याएं आपको रोक नहीं सकती हैं। तो बस आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताएं कमेंट के माध्यम से। फिर कल मुलाकात होगी। नमस्कार, जय हिंद।